आज हम बनाने वाले हैं मुल्क जमीन डोज और रुमाली रोटी। हेलो, आपका स्वागत है शमा फूड किचन में। और आज हम बनाने वाले हैं मुर्ग ज़मीन डोज, जिसके लिए यहाँ पर हमने 1 किलो चिकन ले लिया है। यह हमने मुसल्लम चिकन लिया है, यानी कि पूरा चिकन। इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया था और इसके हम 2 मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम इसके चारों तरफ कट लगाएंगे। ये देखिए ऐसे, ताकि हम जब मैरिनेट करें इसे तो उसके मसाले इसके अंदर तक जाएं और टेस्ट बहुत अच्छा आए। और इसके अंदर तक जाकर मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अंदर तक मसाले जाने चाहिए। ये देखिए ऐसे कट लगाने हैं आपको भी, पीछे भी। ये देखिए अब हम चिकन को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब हम इसका मैरिनेट करना शुरू करेंगे। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि इसके 2 मैरिनेट होते हैं, सबसे पहले हम इसका मैरिनेट करेंगे 1 चम्मच नमक। इसको इस तरह से चारों तरफ मल लेंगे अच्छी तरह से, ताकि अंदर की तरफ भी नमक जा सके, जिसकी वजह से हमने ये कट्स लगाए हैं। अब हम इसके अंदर 2 ढक्कन विनेगर डालेंगे। ये देखिए, अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, इतना पानी भरे कि जिससे कि ये चिकन पूरा उसके अंदर डूब जाए। सब में पानी डालें और इसको आधे घंटे के लिए इसी तरह से रख दें। ये देखिए अब आधा घंटा हो चुका है, तो ये देखिए अब हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है चिकन। ये देखिए इसका कलर बदल चुका है, एकदम सफ़ेद हो चुका है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास टाइम था, तो हमने यहाँ पर आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए रखा था। और अगर आपके पास टाइम ना हो, जैसे कि मेहमान आने वाले हो, तो आप इसको 15-20 मिनट भी मैरिनेट होने को रख सकते हैं। अब हम इसका पानी निकाल देंगे और इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। अब हम चिकन को अच्छी तरह से धो लेंगे। यहाँ पर हमने जो पहला मैरिनेट किया था, इसके अंदर हमने 2 ढक्कन विनेगर डाला था। और अगर आपके पास विनेगर ना हो, तो आप इसमें 2 बड़े नींबू का रस भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसमें विनेगर ही डालें। तो इसे अब हम अच्छी तरह से देखिए इस तरह से धो लेंगे। चलिए अब हम मसालों की तरफ आते हैं। ये है तेज़पत्ते, 4 हरी इलायची, 1 बड़ा चक्री फूल, 1 दालचीनी जावित्री फूल, 2 बड़ी इलायची जायफल, 15-20 लौंग शाहजीरा सादा जीरा, 15-20 काली मिरी, ये 1 छोटा बाउल दही, 1 नींबू। तो चलिए अब हम इन मसालों को पीस लेते हैं। सबसे पहले हम सारे मसालों को मिक्सर जार में डाल देंगे। और अब इनको अच्छी तरह से पीस लेंगे। देखिए अब हमारे मसाले पीस चुके हैं। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट देख लेते हैं, जिनका हम पेस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिए हैं काजू, उसको इस तरह से काट लिया है। और ये हमने 7-8 बादाम लिए हैं, ये 4 ले ली है। तो चलिए अब इनका पेस्ट बना लेते हैं। अब हम इनको मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा ड्राई फ्रूट का पेस्ट तैयार है। अब हम दही को बाउल में इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम इसमें मसाले को डालेंगे जो हमने पीसा था, और उसको अच्छी तरह मिला लेंगे। 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, उसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम ड्राई फ्रूट का पेस्ट डालेंगे और उसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार डालें, और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी कर लेंगे,
थोड़ा सा ही पानी डालना है और इसे अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम अपने चिकन का दूसरा मैरिनेशन करेंगे। ये जो हमने मसाला बनाया है इसको इसके ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से कोनों पर भी लगाएंगे जिससे कि इसका मसाला अंदर तक जा पाए और इसका अच्छा टेस्ट आए। पीछे भी लगा लेंगे। अब हम इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे। सब पर अच्छी तरह से लगा लेंगे और छिड़क लेंगे। हम इसके अंदर भी लगाएंगे मसाला। इस तरह से इसको एकदम तर करके रखेंगे मसाले में। ये देखिए हर जगह हम इसके मसाले लगाएंगे। आपको इसकी एक भी जगह नहीं छोड़नी है। इस तरह से डाल दें आप इसको। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लगाएंगे। इसके चारों तरफ अच्छी तरह से हाथों की मदद से मल लेंगे और इसके पैरों को इस तरह से बांध देंगे। अब हम इसको फॉइल से ढककर रख देंगे। अगर आपके पास ऐसी फॉइल ना हो तो आप इसे प्लेट से भी ढककर रख सकते हैं ओवरनाइट के लिए। ये देखिए हमने चिकन को ओवरनाइट के लिए रखा था और ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। ये देखिए इसकी पूरी ग्रेवी नीचे पहुंच चुकी है। अब हम एक कुकर लेंगे। कुकर के अंदर इस तरह से एक स्टैंड रख लेंगे। अब हम एक छोटी प्लेट रखेंगे जिसके अंदर हमारा चिकन आ सके। हम अपने चिकन पर ऑयल को ब्रश की मदद से इस तरह लगा लेंगे, हर जगह लगाएंगे। अब हम चिकन के ऊपर तंदूरी मसाला इस तरह से छिड़क देंगे। ये देखिए इसके पीछे भी पहले ऑयल लगाएंगे, उसके बाद हम इस पे तंदूरी मसाला छिड़केंगे सब तरफ अच्छी तरह से। अब हम अपने चिकन को कुकर में डाल लेंगे। इसकी सारी ग्रेवी हम इसके अंदर ही डाल देंगे। ये देखिए कुकर में आपको चिकन को इस तरह से रखना है। कुकर के स्टैंड के नीचे 1 गिलास पानी डाल दीजिए। रबड़ लगी होनी चाहिए और बिना सीटी के हमें इसको बंद करना है। तेज आंच पर 5 मिनट तक रखना है इसको। 5 मिनट के बाद हमें इसकी फ्लेम लो कर देनी है और इसको 20 मिनट के लिए पकने देना है लो फ्लेम पर। ये जो हमारी दूसरे मैरिनेशन की ग्रेवी है इसको आपको बाद में इस्तेमाल करना है, कुकर में इसको एक साथ नहीं डालना है। जितने तक हमारा चिकन तैयार होता है उतने तक हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे, क्योंकि जब हमारा चिकन खुश्क हो जाएगा उसके ऊपर डालकर खाने के लिए। अब 5 मिनट हो गए हैं तो अब हम गैस की फ्लेम लो कर इसको 20 मिनट तक पकने देंगे। अब हम एक पैन ले लेंगे। अब हम पैन में ऑयल को डाल देंगे। 2 मीडियम साइज प्याज कटे हुए उनको हम फ्राई कर लेंगे ऑयल में। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा हल्का ही ब्राउन होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ ब्राउन नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमारा प्याज फ्राई हो रहा है। ये देखिए अब हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको मिक्सर जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। इसको हम सबसे पहले ठंडा कर लेंगे। ये देखिए अब हमने इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम उसी पैन में 3-4 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें कुछ गरम मसाले डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे 1 चक्री फूल, 2-3 काली मिरी, 2-3 लौंग और जीरा। ये शाहजीरा है, अभी हमने इसमें बड़ी इलायची भी डाली है। अब हम इसमें प्याज का पेस्ट डाल लेंगे। मिक्सर जार में थोड़ा पानी करके डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको प्याज को अच्छी तरह से भूनना है आपको, जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। ये देखिए
चम्मच चलाते हुए ही इसको भूनना है। ये देखिए अब हमारी प्याज ने ऑयल को छोड़ दिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। एक चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। होममेड गरम मसाला डालेंगे आधा चम्मच और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे दो चम्मच और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे। शुरुआत में हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इस तरह से चम्मच चलाते हुए ही हम भून लेंगे। अब जो हमारी चिकन की ग्रेवी थी इसको हम इसमें डाल देंगे जो हमने मैरिनेट की थी। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आधा चम्मच नमक डालेंगे। आप नमक ध्यान से डालें क्योंकि हमने पहले भी ग्रेवी में नमक डाला हुआ है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऑयल आप इसमें ज़्यादा ना डालें क्योंकि ऐसी चीज़ों में ऑयल अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, फिर वो ऑयली ऑयली हो जाता है। घर की फ्रेश बनी हुई मलाई 3 चम्मच डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए इसको ढककर पकने देंगे। हमारा मुर्ग ज़मीन डोज़ बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है, तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी आप इसे स्किप ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए अब 2 मिनट हो चुके हैं और हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होने वाला है। आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप जब हमारी रेसिपी को ट्राई करके इसे खाएंगे तो आपको एकदम ऐसा लगेगा कि आपने कभी ये ज़िंदगी में खाया ही नहीं होगा। अब हम इसको फिनिश करने के लिए कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे इस तरह से। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम बनाएंगे रुमाली रोटी मुर्ग ज़मीन दोस्त को कवर करने के लिए। इसीलिए हम लेंगे 1 कप मैदा। अगर आपको इसके साथ खाने के लिए बनानी है तो आप 2 कप मैदा ले सकते हैं और ज़्यादा रुमाली रोटी बना सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, 1/4 चम्मच नमक। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को अच्छी तरह गूंद लेंगे। आटा ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इस तरह का आटा होना चाहिए जिस तरह की हम पूरी बनाते हैं। इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे। अब हम इस पर सूती मलमल का कपड़ा ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसकी रुमाली रोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से इसकी गोले बना लेंगे नींबू की बराबर। 1 कप मैदे के आटे में हमारे देखिए 5 गोले बन चुके हैं। अब हम पाट पर मैदा डालकर इसको बेल लेंगे, अच्छी तरह से बेल लेंगे। सबको पहले इतनी ही बड़ी रोटी बेलनी है, दूसरी वाली को भी इसी तरह बेलेंगे। देखिए वो कैसे बन। अब हम इस वायर ब्रश की मदद से ऑयल लगाएंगे चारों तरफ। अब हम इस पर मैदा छिड़क देंगे, दूसरी रोटी को इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। इसके ऊपर भी ऑयल लगाएंगे ब्रश की मदद से, चारों तरफ अच्छी तरह से लगा लेंगे। इसके ऊपर भी मैदे को छिड़क देंगे। तीसरी रोटी को भी रखेंगे, इसके ऊपर भी ऑयल लगा लेंगे। इस तरह ये रुमाली रोटी बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप रुमाली रोटी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुर्ग ज़मीन दोस्त की रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करें। हमने चौथी रोटी को भी रखकर इस पर ऑयल लगाकर मैदा छिड़क रहे हैं। अब हम इस पर 5वीं रोटी को भी रख देंगे।
थोड़ा नीचे सूखा मैदा डालेंगे और रोटी को रख देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। ये रुमाली रोटी है इसलिए बड़ी मिलती है, तो हम इसे नीचे बेल रहे हैं। अब हमने पैन को अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अब हम इस पर रोटी को डाल देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से इसको उठाना है और पलट देना है। देखिए इस रोटी को इस तरह से निकालना है। ये देखिए हमारी रुमाली रोटी तैयार है। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। तो फिर से पलट लीजिए। ये देखिए दूसरी रोटी भी इस तरह से बन गई है। अब हम इसको फिर से पलट लेंगे। ये तीसरी रोटी को भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। कितने स्मूथली निकल गई है ये देखिए। अब हम इसको फिर से पलट लेंगे। इसी तरह से अल्टी पल्टी पलटते जाएंगे और इसकी रोटी निकलती जाएंगी। ये देखिए एकदम स्मूथली निकल रही है हमारी सारी रोटियां। ये हमारी पांचवी रोटी भी तैयार है। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, एकदम ट्रांसपेरेंट हाथ नीचे से दिख रहा है। ये देखिए आप इसको किसी भी ग्रेवी के साथ खा सकते हैं, जैसे कि चिकन मटन, जैसे कि निहारी वैसे वगैरह वगैरह। आप इसे किसी भी ग्रेवी के साथ खा सकते हैं। ये देखिए अब हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे, बाद में हम इसको निकालेंगे। अभी थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम गल चुका है हमारा चिकन। ये देखिए अब हम एक पैन लेंगे। अब गैस चालू कर लेंगे। अब हम अपनी ग्रेवी को मुल्क जमीन डोज पर इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। आप हमारी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अच्छी तरह लगा लेंगे और सब जगह लगा लेंगे। देखिए खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है हमारा मुर्ग ज़मीन दोस्त, तो इसलिए हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब रोटियों को इस तरह से रखेंगे हम। और इन पर ऑयल लगा लेंगे। तीनों रोटियों पर लगाएंगे अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से। और इन पर भी ग्रेवी लगा लेंगे और इसको अच्छी तरह फैला लेंगे। अच्छी तरह से इन पर लगा लेंगे ब्रश की मदद से इस तरह से। मुर्ग जमीन दोस्त पर हम पीछे से भी ग्रेवी को अच्छी तरह लगा लेंगे। अच्छी तरह लगाएंगे हर तरफ इस तरह से। इसको रुमाली रोटी पर रख लेंगे और रुमाली रोटी को इस पर इस तरह से लपेट लेंगे। ये देखिए ऐसे। जो हम ऊपर से दूसरी रोटी भी ढकेंगे उसके ऊपर भी इसी तरह से ग्रेवी लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे सब तरफ लगाएंगे। अब इसको इस तरह से ऊपर से भी ढक देंगे। ये देखिए ऐसे। थोड़ा सा पैन में ऑयल डालेंगे और चारों तरफ फैला लेंगे ब्रश की मदद से इस तरह से। और अपने मुर्ग ज़मीन दोस्त को इस तरह से इसमें रख देंगे और पकने देंगे और इसको ढक देंगे इस तरह से। हम अपनी रुमाली रोटी पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, अभी ब्रश की मदद से लगाएंगे ताकि ये थोड़ी क्रिस्प हो जाए। इस तरह से सब तरफ लगा लेंगे और इसको 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे लो फ्लेम पर। ये देखिए अब हमारा मुर्ग जमीन डोज बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है।
अब हम इसको बीच में से कट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, हमने इसको बीच में से काट दिया है। अब सलाद के साथ इसको आप सर्व करें। आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।